हूं निम्रा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में साबिक इंटेलिजेंस एहलकार को 14 साल कैद की सजा। कैमरून ऑर्टिस पर खुफिया मालूमात लीक करने का इल्जाम है। दिफाई वकला का कहना है कि फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर का कैनेडियन खानदानों को गजा के इनखला से रोकने पर इजहार बरहमी। कनाडा ने पहले से मंजूर शुदा फहरिस्त इसराइल और मिस्र को पेश कर दी। लोगों को गजा से इनखला पर रोकना मायूस कुन है। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमर्स ने यूक्रेन के नए आज़ाद तजारती मुआहदे की मंजूरी दे दी। अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव ने बिल की मुखालफत कर दी। ट्रूडो और पॉलिवर के एक दूसरे पर इल्जामात। सऊदी अरब की आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ मुआहदे की मंजूरी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की सरबराही में सऊदी अरब की काबीना का इजलास। इस्लामी अस्करी इतिहाद के वज़राए दिफा की कौंसिल के दूसरे इजलास के नतीज पर भी तबादला ख्याल। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनिएंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन ना सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। वेलकम बैक। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के सुप्रीम कोर्ट के जज ने आरसीएमपी के साबिक इंटेलिजेंस एहलकार कैमरून ऑर्टिस को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो की सुप्रीम कोर्ट के जज ने आरसीएमपी के साबिक इंटेलिजेंस एहलकार कैमरून ऑर्टिस को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। ओंटेरियो की सुपीरियर कोर्ट के एक जज ने कैमरून ऑर्टिस, जो कि आरसीएमपी के साबिक इंटेलिजेंस एहलकार को गुज़िश्ता साल के आखिर में पुलिस के अहदाफ को खुफिया मालूमात लीक करने का मुजरिम पाया गया था, जिन्हें 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अपने वक्त का हिसाब किताब करते हुए साबिक सिविलियन आरसीएमपी मेंबर 7 साल और 155 दिन काम करेंगे। क्राउन ने इशारा दिया कि वो अपील करने का इरादा रखता है। 51 साल ऑर्ट्स को नवंबर में कनाडा के सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत उनके खिलाफ तमाम 6 इल्जाम में कसूरवार पाया गया था। यह पहला मौका था जब सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इल्जामात का अदालत में तजर्बा किया गया। जस्टिस रॉबर्ट मैरिंजर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कैमरून ऑर्ट्स इंतहाई एतमाद की पोजीशन में थे। इसके आमाल मुमकिन तौर पर जानों को खतरे में डालते हैं। उनके इकदाम ने बैन अवी सतह पर इंटेलिजेंस कम्यूनिटी में कैनेडा की साख को नुकसान पहुँचाया। मुकदमे की समात में ऑर्टिस पर कैनेडा के इतिहादियों से कैनेडियन इंटेलिजेंस और मालूम का तबादला करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। यूके, यूएस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 आइस इतिहाद के रुकन के तौर पर कनाडा ने जमाशुदा इंटेलिजेंस के इश्तराक और तहफ़ का अहद किया है। दिफा अपील करने का इरादा रखता है और ये इस्तदलाल कर रहा है कि कौमी सलामती के कानून के जरिए इसके मुकदमे पर आयद पाबंदियों की वजह से ऑर्टिस को कभी भी मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला। डोडी ने कहा, वो अपनी बेगुनाही पर कायम है। यह हकीकत की ज्यूरी इसके दिफा की बहुत सी बातें नहीं सुन सकी। जाहिर है कि वो अब भी परेशान है। कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर ने कहा है कि कनाडा से ताल्लुक रखने वालों को गजा से इनखिला पर रोकने पर वो गुस्से में हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर ने कहा है कि कनाडा से ताल्लुक रखने वालों को गजा से इनखिला पर रोकने पर वो गुस्से में हैं। कनाडा ने गुज़िश्ता माह फलस्तीनी सरजमीन में 1000 लोगों को कनाडा में खानदान के बढ़े हुए अरकान के साथ दोबारा मिलाने के लिए दरख्वास्तें कबूल करना शुरू की। कनाडा ने पहले से मंजूर शुदा अफराद की इब्तदाई फहरिस्त इसराइल और मिस्र को फराहम की, जो गजा से बाहर जाने वाली वाहिद सरहदी गुजरगाह को मुश्तरका तौर पर कंट्रोल करते हैं। इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने पार्लियामेंट हिल पर कहा,
शायद ज़मीन पर मौजूद लोगों की तरफ से कुछ घबराहट है कि आया उन लोगों को बाहर जाने दिया जाए, लेकिन ये इंसानी हमदर्दी का इशारा है और ये मेरे लिए इंतहाई मायूस कुन है। मार्क मिलर ने पहले कहा था कि वो प्रोग्राम तक रसाई हासिल करने वाले लोगों की तादाद पर लचकदार होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने मंगल के रोज हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि अगर कोई भी सरहद के उस पार ना जा सके तो प्रोग्राम को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। वजीर ने कहा कि वो सिफारती ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं और आवामी तौर पर मजीद कहने से पहले उनको तलाश करना चाहते हैं। मार्क मिलर ने कहा, मैं ऐसा निज़ाम नहीं बनाना चाहता जो झूठी उम्मीदों का दिल बहला रहा हो, लेकिन मैं अपने हथियार नहीं छोड़ना चाहता। ये वाकई मायूस कुन है और जाहिर है कि ये जेर बहस खानदानों के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। अगर हुकूमत की फहरिस्त में शामिल लोग इसे सरहद पार करने के काबिल हैं तो फिर भी उन्हें कैनेडा जाने वाली परवाज में सवार होने की इजाज़त देने से पहले स्क्रीनिंग की ज़रूरत होगी। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव की मुखालफत के बावजूद यूक्रेन के नए आज़ाद तजारती मुआहदे की मंजूरी दे दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स ने यूक्रेन के नए आज़ाद तजारती मुआहदे की मंजूरी दे दी। अपोजिशन ने इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है क्योंकि इसमें मतन में कार्बन की कीमतों का तायुन का हवाला मौजूद है। कंजर्वेटिव की जानिब से इसके खिलाफ वोट देने के बावजूद जदीद कनाडा यूक्रेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने का एक बिल मंगल को हाउस ऑफ कॉमन्स से मंजूर हुआ, जिसे वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पियर पॉलिवर पर यूक्रेन को छोड़ देने का इल्ज़ाम लगाया। ट्रूडो और पॉलिवर ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूक्रेन की हिमायत के लिए काफ़ी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि दो ममालिक के तजारती मुआहदे की बहाली के लिए कानून साजी इसके हतमी कॉमन्स वोट के लिए सामने आई है। बिल C-57 जैसा कि इसका उनवान है, लिबरल ब्लॉक क्यूबिको न्यू डेमोक्रेट और ग्रीन एमपीस की हिमायत से 214 से 116 वोटों से मंजूर हुआ। ये बिल अब जांच के दूसरे दौर के लिए सेनेट के पास है। ये नोट करते हुए कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन से इस मुआहदे को पास करने के लिए कहा था, ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि पॉलिवर यूक्रेन के साथ खड़े ना होने, यूक्रेनियों के साथ खड़े ना होने और यूक्रेनी कैनेडियनों के साथ खड़े ना होने का इंतखाब कर रहे हैं। वोटिंग के बाद ट्रूडो ने कंजर्वेटिव की मुखालफत को नाकाबिले फहम करार दिया। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से दो सालों में कैनेडा ने अरबों डॉलर के फौजी अतियात के साथ साथ यूक्रेन को इंसानी बुनियादों पर तरक्याती और सिक्योरिटी इमदाद की पेशकशों में लाखों मजीद फराहम किए हैं। मंगल को वफाकी काबीना के मुतादित वज़रा ने इजहार किया कि कनाडा के लिए यूक्रेन की हिमायत जारी रखना कितना अहम है। पियर पॉलिवर ने मंगल को इस अजम का इजहार किया कि एक वफाकी कंजर्वेटिव हुकूमत यूक्रेन के लिए मजीद कुछ करेगी, बशमूल यूक्रेन को ऐसे मिसाइल देना जिनको कनाडा ने ज़ाया करने का मंसूबा बनाया था। सऊदी अरब की काबीना का इजलास खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की सरबराही में मुनाकिद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने बैन अल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ मुआहदे की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब की काबीना का इजलास खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की सरबराही में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। काबीना के शुरका को अमीर कुवैत के दौरे और वली अहद मुमलिकत के साथ होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया गया। सऊदी काबीना के इजलास में मुतअद्दिद उमूर की मंजूरी दी गई, जिनमें बैन अल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ मुआहदे की मंजूरी भी शामिल है। इस जमन में सऊदी वजीर खारजा को ये इख्तियार दिया गया कि वह खुद या उनका नायब कानून कार्रवाई मुकम्मल करे या इसका इख्तियार तफवीज करे। वजीर इत्तला सलमान अल-दूसरी ने बताया कि काबीना इजलास में मुमलिकत और मुख्तलिफ ममालिक के माबैन होने वाले मुज़ाकरात और दरपेश आलमी चैलेंजेस से निमटने के हवाले से जायजा लिया गया। इसके अलावा दहशतगर्दी से निमटने के लिए कायम किए जाने वाले इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के वज़राए दिफा की कौंसिल के दूसरे इजलास के नताइज पर भी तबादला ख्याल किया गया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान इमरा कवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। News are precise and effective.